हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टपल सो व्हाट इज पैकिंग और अनपैकिंग क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग व्हाट इज पैकिंग पैकिंग क्या है जब हम वैल्यूज से सेट ऑफ वैल्यूज से क्या करते हैं टपल को क्रिएट करते हैं ओके okay? उसको बोलते हैं पैकिंग जब आप कुछ वैल्यूज लेकर ओके उनसे टपल को क्रिएट करते हो दैट Is called as packing. हमने पैकिंग कर दी टपल बना दिया राइट एंड इट्स रिवर्स उसका उल्टा क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम आर टपल्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड अनपैकिंग जब हम क्या करते हैं टपल को के एलिमेंट्स को इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है मतलब उन, उनको अनपैक uh, कर देते हैं डेट इज कॉल्ड एज अनपैकिंग राइट ओके एंड अनपैकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टपल असाइनमेंट अनपैकिंग जो हम करते हैं टपल एलिमेंट्स को उसे टपल असाइनमेंट भी कहा जाता है राइट right? तो समझ आया व्हाट इज पैकिंग व्हाट इज़ अनपैकिंग जब हम कुछ वैल्यूज ली हमने कुछ वैल्यूज ली जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ये हमारी टपल टी है राइट right? ओके okay. हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली वन uh, देन uh, आपने राउंड ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज ले ली वन टू एंड थ्री लेट लेटेस्ट पोस्ट आपने थ्री वैल्यूज ली ओके okay. ये आपने क्या किया ये वैल्यूज से आपने टपल टी क्रिएट कर दिया ठीक है तो ये क्या बन गया पैकिंग राइट दिस इज कॉल पैकिंग ठीक है आपने सेट ऑफ वैल्यूज से टपल टी को क्रिएट किया तो दिस इज योर पैकिंग राइट ओके अब अगर हम इसको क्या कर करते वन टू थ्री को हम क्या कर दें इंडिविजुअल कर दें मतलब अलग अलग कर दें अलग अलग, अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर दें तो वो क्या हो जाएगा अन, अनपैकिंग जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया एक्स देन आपने ले लिया वाई एंड देन आपने ले लिया जी इक्वल टू टी ओके तो अब क्या होगा जो इसके एलिमेंट है वन टू थ्री वो किस में चले जाएंगे एक्स वाई एंड जी में चले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू अब हो गई है वन ओके वाई की वैल्यू आपकी हो गई है टू राइट एंड जी की वैल्यू आपकी क्या हो गई है थ्री राइट तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग ठीक है हमने क्या किया टपल एलिमेंट्स को अनपैक कर दिया अब वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन गए ठीक है, फर्स्ट आपने क्या किया था सेट ऑफ वैल्यूज को पैक करके टपल को क्रिएट किया था दिस इज कॉल्ड पैकिंग। फिर आपने उनको क्या कर दिया इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया तो वो क्या हो गया अनपैकिंग एंड अनपैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल असाइनमेंट ओके ओके सो टपल पैकिंग क्या है टपल क्रिएट करना फ्रॉम सेट ऑफ

वेरी वेल टपल क्या होती हैट्रोजीनियस डेटा uh, को स्टोर करती है होमोजीनियस भी कर सकती है हाइट्रोजीनियस भी कर सकती है ओके okay? तो टपल के अंदर आप सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हो ओके लेट इस लुक एट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग टपल्स इन पाइथन विच वी कंसिडर्ड एज पैकिंग ओके तो आप समझ चुके हैं वॉट इज पैकिंग पैकिंग क्या है क्रिएटिंग टपल्स टपल को क्रिएट करना ओके पैकिंग वॉट इज पैकिंग क्रिएटिंग सिंपली ओके okay? तो देखो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ये पहले वाली वीडियोज में भी uh, हमने किया था डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग टपल्स वन मोर टाइम वी आर रिपीटिंग दैम ओके्पल टपल विद इंटीजर्स एस एलिमेंट ओके okay, आप क्या कर रहे हो टपल क्रिएट कर रहे हो जिसके एलिमेंट्स क्या है इंटीजर तो आपने यहाँ पे टीवन टपल को क्रिएट किया सिंपली आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया तो क्या हो गया ये टीवन टपल क्रिएट हो गई है राइट right? अब देखो जब आप टीवन को प्रिंट कराते हो तो ये आपके पास टपल आ गई हैविंग इंटीजर एलिमेंट्स ओके देन वी हैव टपल विद मिक्स डेटा टाइप्स मिक्स डेटा टाइप्स से आपने टपल को क्रिएट किया यहाँ पे टी टू इक्वल टू आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने स्टोर किए है यहाँ पे स्ट्रिंग है देन आपका इंटीजर है देन आपकी फ्लोट वैल्यू है ओके अब टी टू आपने सिंपली क्या किया वैल्यूज को डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को एनक्लोज किया है राउंड ब्रैकेट्स में एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल ठीक है अब आप टी टू को प्रिंट कराते हो तो दिस इज योर टी टू तो वट 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 इज दिस जो आप ये टपल क्रिएट कर रहे हो क्या है वो दिस इज पैकिंग Packing of tuple, okay, or you can say tuple packing, fine. ना टपल विद अ टपल एज एन एलिमेंट ओके अब टपल हम ऐसी टपल क्रिएट करें जिसके अंदर उसका एक एलिमेंट uh, क्या है टपल है राइट right? ओके okay? इसको नेस्टी टपल भी कहते हैं जैसे टी थ्री इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटीजर देन ये हमारा टपल है देन फिफ्टी सेवन ओके सिंपली आपने क्या किया एलिमेंट्स को एनक्लोज किया है राउंड ब्रैकेट्स में एंड दे आर सेपरेटेड बाई द कोमन जब आप टी थ्री को प्रिंट uh, कराते हैं तो आपका ये टपल आ गया ठीक है तो ये टपल क्या है टपल विद टपल एज एन एलिमेंट जिसके अंदर एक टपल जिसके अंदर दूसरी टपल है एज अ एलिमेंट तो इसको नेस्ट्री टपल भी कहते हैं ओके टपल विद एन एलिमेंट अब यहाँ पे हम क्या करें नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने टपल को क्रिएट किया जिसके अंदर लिस्ट एज एलिमेंट है ओके okay? इसका फर्स्ट एलिमेंट है इंटीजर फोर्टी फाइव देन लिस्ट जिसके अंदर टू एलिमेंट है टू फाइव एंड देन अगेन इंटीजर जब आप टी फोर को प्रिंट कराते हो दिस इज योर टपल एलिमेंट ओके नेक्स्ट टपल ऑफ सिंगल एलिमेंट अब सिंगल एलिमेंट से जब आपको टपल क्रिएट करनी होती है तो क्या उसकी कंडीशन होती है कि सिंगल एलिमेंट के बाद आपको कोमा जरूर लगाना होता है ओके okay? अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो इट ई विल बी कंसिडर्ड एज इंटीजर वैल्यू ओनली और टपल क्रिएट नहीं करेगा वो एरर शो कर देगा राइट right? ऐसे ही अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू भी ले रहे हो उसके बाद भी आप कोमा लगाओगे तो लास्ट जो फाइनल कोमा होता है वो लगाना जरूरी होता है जब आप सिंगल एलिमेंट से टपल को क्रिएट कर रहे हैं राइट right? तो हमने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट की है टी फाइव जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू ली है एंड आफ्टर दिस वी हैव गिवन अ कोमा राइट हमने कोमा यहाँ पे लगाया है टी फाइव ये आपकी टपल आ गई विद सिंगल एलिमेंट ओके नेक्स्ट वी हैव टपल ऑफ सिक्वेंस ओके हम सिक्वेंस से टपल क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, सिंपली आपने क्या किया यहाँ पे सिक्वेंस लिया है इंटीजर का सिक्वेंस ओके एंड देन यहाँ पे टी सिक्स आपका क्या हो गया है टपल क्रिएट हो गया राइट right? देखो इफ वी राइट एनी सिक्वेंस सेपरेटेड बाय कॉमर्स पाइथन कंसिडर्स इट एज अ टपल तो ये क्या कह रहा है अगर आप कोई भी सिक्वेंस लिखते हो कोमा लगा के तो पैथनों उसे क्या कंसीडर करता है टपल करता है अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यूज भी कोमा लगा के लिखी होती विदाउट राउंड ब्रैकेट्स इवन देन वो क्या कंसीडर होता वो टपल कंसीडर होता है right? राइट तो यहाँ पे आप सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो सीक्वेंस एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय द कोमा राइट राउंड ब्रैकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ओके इट विल बी कंसिडर्ड एज टपल तो यहाँ पे व्हाट इज टपल पैकिंग सिंपली क्रिएशन ऑफ टपल इज कॉल्ड एज टपल पैकिंग नाउ नेक्स्ट वी विल डू व्हाट इज टपल अनपैकिंग राइट अनपैकिंग क्या होता है ओके okay? Now we have tuple unpacking. Tuple and unpacking is also called as tuple assignment. ठीक है, tuple unpacking को tuple assignment भी बोलते हैं। Now what is tuple unpacking? Creating individual values from a tuples element is called unpacking. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि tuple के elements से individual elements create करना, individual values create करना unpacking होता है, okay? और उसे tuple assignment भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? पहले tuples में क्या होता है? Values क्या होती हैं? एक particular सेट के फॉर्म में होते सिक्वेंस के फॉर्म में होती है पर अगर आप उनको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करा दोगे राइट ओके तो क्या हो जाएंगी वो एक इंडिविजुअल वैल्यू बन जाएगी एक इंडिविजुअल एंटिटी बन जाएगी ओके okay? तो वो क्या हो जाएगा टपल अनपैकिंग हो जाती है राइट right? और उसको टपल असाइनमेंट भी बोलते हैं ओके okay. अब अनपैकिंग का सिंटेक्स क्या है व्हाट इज़ द सिंटेक्स यहाँ पे क्या है हमारे वेरिएबल्स वी वन वी टू वी थ्री एंड सो ऑन जितने भी आपको वेरिएबल्स लेने हैं और वेरिएबल्स हमेशा ध्यान रखना है कि जो टपल के जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आप वेरिएबल्स लोगे अगर टपल में फ़ाइव एलिमेंट्स है यू विल टेक फाइव एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सॉरी फ़ाइव वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर उसमें टेन एलिमेंट्स हैं यू विल टेक टेन वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो डेट क्या होगा टपल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वेरिएबल को क्या कर देगा टपल असाइन कर देगा ठीक है इसलिए इसको टपल असाइनमेंट भी बोलते हैं टपल सारे एलिमेंट्स को वेरिएबल्स को असाइन कर देगा फाइन अब देखो यहाँ पे v1 v2 v3 टू वी थ्री आर वेरिएबल्स एंड टी इज द टपल तो सिंटेक्स क्या है आप लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स लोगे और राइट हैंड साइड पे आपको टपल लेनी है फाइन ओके नाउ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल दैट आई हैव टोल्ड यू कि जितने टपल के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही वेरिएबल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लेने हैं ओके टपल अनपैकिंग रिक्वायर्स डैट

ओके okay, नाउ हम इसको देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हमारे पास टी टपल है ओके okay, जिसके एलिमेंट्स है फोर एट सी एन डी ओके ये इसके एलिमेंट्स हैं फाइन अब हमने क्या किया हमने अनपैकिंग किया है टपल अनपैकिंग और टपल असाइनमेंट तो हमने यहाँ पे फोर वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी डी इक्वल टू टी अब क्या होगा टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल्स uh, को असाइन हो जाएंगे फोर ए को असाइन हो जाएगा एट बी को असाइन हो जाएगा सी अगेन स्मॉल सी वेरिएबल को असाइन हो जाएगा एंड कैपिटल डी स्मॉल डी वेरिएबल को असाइन हो जाएगा तो ये फोर एलिमेंट्स टपल के इन फोर वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे फाइन ओके okay? तो जब आप ए को प्रिंट कराते हो तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा फोर प्रिंट हो गया बी को प्रिंट करा, कर, कराया तो एट प्रिंट हो गया अब ये क्या बन गया है ये टपल अनपैक हो चुकी है इसके जो एलिमेंट्स uh, थे वो अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन चुके हैं राइट right? अब सी को आपने वेरिएबल uh, सी को प्रिंट कराया तो आपका कैपिटल सी आ गया वेरिएबल डी को प्रिंट कराया तो आपका कैपिटल डी आ गया फाइन ओके पाइथनासाइन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टपल टी टू द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो पाइथन ने क्या किया टपल के जितने भी एलिमेंट्स थे वो लेफ्ट हैंड साइड्स पे जितने भी वेरिएबल्स थे उनको असाइन कर दिया राइट डेट इज़ वी कैन नाउ इंडिविजुअली प्रिंट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स अब क्या कर सकते हैं हम इंडिविजुअली वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं ओके टपल अनपैक हो गई है अब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली प्रिंट किए जा सकते हैं राइट बाई यूजिंग द वेरिएबल्स ओके by using the variables right so this is tuple packing and unpacking and unpacking is also called as tuple assignment okay okay children now we will meet in next video with next topic of tuple till then keep studying and stay at home and be safe bye bye